जय माता की। नमस्कार। जय श्री राम। वंदे गो मातरम। जो मांडवा गांव पोकरण में जो मैटर हुआ था, मैं सुबह भी लाइव आके प्रशासन को बताया था। एक तो जो वीडियो चल रहा है कुल्हाड़ी से किसी को काट रहा है, वो फर्जी वीडियो है। उस वीडियो को मांडवा गांव पोकरण से ना जोड़े। नंबर दो, इसको पूरे को पूरे मामले को पुलिस ने एक्सीडेंट में घुमा रखा है। एक्सीडेंटली नहीं है, 302 है, 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वरना लाश वहां से बॉडी नहीं उठेगी। नंबर तीन, परिवार को मुआवजा दें। नंबर चार, एक सरकारी नौकरी दें। नंबर पांच, फास्ट टैग कोर्ट में चले ये मुकदमा, वरना वहां से बॉडी मत उठाना। जो भी वहां नेतृत्व कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती है, इस गरीब परिवार के साथ अन्याय मत कर देना। सरकार से मुआवजे की मांग करो, 302 में इस मुकदमे को दर्ज करने की मांग करो। मैंने अभी प्रेस नोट देखा है आज का पुलिस का, उसमें पूरा का पूरा मोटरसाइकिल से गिर के एक्सीडेंट बना रखा है। ये नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। कान खोल करके सुन लो प्रशासन वालों, ठीक है ना, सही कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी मांगों पर तुरंत प्रभाव से गौर किया जाए, उसके बाद ही दाग होगा। जो वहां नेतृत्व कर रहे हैं वो समाज की नाक ना मत कटवा देना। वहां एक दो फोन किसी नेता का चला जाए और बेच मत देना। इस मुकदमे को, गरीब भाई की हत्या हुई है, इसको इंसाफ दिलवाएंगे। लॉकडाउन जरूरत पड़ी तो सरकार का हम आदर करते हैं, राष्ट्रवादी हैं, जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन भी तोड़ देंगे, पर इस भाई को न्याय मिलना चाहिए। जय मां भवानी, जय राजपुताना। Thank you.